ಸರ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬಹುತ ಜಾತಾ ಬಚಾ ಜಾಕ್ಯ ಲಾಪರವಾಹಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಮಿ ಪತ್ತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಹುತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥೀಮ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಶನ್ ಪೇ ಧ್ಯಾನ ಸಮಯ ಪೇ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಕ್ಯಾ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಯಂಗರ್ ಏಜ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ उसको ट्रीटमेंट की तरफ जाएं और प्रिवेंशन के अंदर अर्ली डिटेक्शन या इन्वेस्टिगेशंस की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उस पर भी ध्यान दें। और अगर किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है और अगर उसको एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी सजेस्ट की जाती है तो उस समय खराब नहीं करें, क्योंकि जो गोल्डन आवर जो होता है जिसके अंदर अपन हार्ट के मसल को सेव कर सकते हैं वो शुरू हुआ एक घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पर 3 से 6 घंटे के अंदर भी अगर व्यक्ति एंजियोप्लास्टी के अंदर व्यक्ति पहुँचता है तो उसके सही रिजल्ट रहते हैं। और एक बार एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी हो जाती है उसके बाद भी रेगुलर अपना चेकअप, समय पे टेस्ट कराना और जो दवाई बताई गई है ब्लड थिनर या स्टैटिन उसको अपनी मर्जी से बंद नहीं करें, क्योंकि अगर आप बंद कर देंगे तो जो अपनी नेटिव वेसल्स थी अगर वो ब्लॉक हुई है तो जिन वेसल्स में बाईपास या एंजियोप्लास्टी हुई है उनमें भी।